तो ये जो आप लोग देख रहे हैं रांची रोड स्टेशन का प्लेटफॉर्म का व्यू है, ये जो आप लोग देख रहे हैं पहला वाला प्लेटफॉर्म है और ये जो आप लोग देख रहे हैं उधर दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी हमें गाइस रांची रोड स्टेशन में और गाइस हम आ रहे थे गाइस रामगढ़ से। तो गाइस यहाँ पे गाइस रुके हुए रांची रोड स्टेशन में और गाइस यहाँ से गाइस ट्रेन पकड़ के गाइस हम जाएंगे गाइस गोमिया स्टेशन अपने घर के लिए। तो गाइस ये स्टेशन गाइस काफ़ी फेमस स्टेशन है, तो गाइस हम सोचे क्यों ना गाइस आप लोग को भी ये दिखाया जाए रांची रोड का स्टेशन। तो चलिए गाइस आप लोग को गाइस ये ब्लॉग में गाइस रांची रोड का स्टेशन दिखाते हैं और घुमाते फिर। तो चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रांची रोड का देख सकते हैं बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा ओवर ब्रिज आप लोग को नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर रोड है और ये रोड जाता है गाइस यहाँ से गोमिया से होते हुए गाइस रांची की ओर। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं साइड साइड से इधर पटरी है और यहाँ से स्टेशन पूरा स्टार्ट होता है ये रांची रोड का। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग लगता है। और साफ़ सफाई का मामला आप लोग देख ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रांची रोड का स्टेशन साफ़ सफाई है। इधर जो आप लोग नीचे वाला देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना जमाना का स्टेशन है, आप लोग इसका बनावट से आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा टाइमर लगा हुआ है पब्लिक के लिए देखने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है आप लोग देख ही सकते हैं टाइमर में यहाँ पे 10 बज रहा है, तो ट्रेन का तो सारा टाइम अभी नहीं हो रहा है। और स्टेशन में आप लोग देख ही सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि धीरे धीरे अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है। और इधर देख सकते हैं आप लोग को इधर रूम वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए। और इधर जो आप लोग नीचे में देख रहे हैं इसके आगे साइड से घूम के वहाँ पे टिकट काउंटर है। और स्टेशन के साइड साइड में आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा सा देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया गया जाली टाइप से सेफ्टी के लिए कि कोई दुर्घटना ना घटे। और बाकी आप लोग स्टेशन देख ही सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं पानी वगैरह के लिए सारा चीज़ व्यवस्था है। तो अब चलिए चलते हैं इस ओवर ब्रिज में, उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे का व्यू आप लोग को। इधर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है गाइस। तो गाइस अभी गाइस अभी हम ओवर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं देख सकते हैं आप लोग। और अब चलते हैं आगे की ओर और आप लोगों को फिर दिखाते हैं उधर। और इधर का व्यू आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे का स्टेशन का। और इधर भी देख सकते हैं पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से बना दिया गया बैठने के लिए। तो गाइस यहाँ पे भी सीढ़ी है गाइस, तो अभी चलते हैं नीचे और आप लोगों को दिखाते हैं दूसरा वाला प्लेटफॉर्म और पहला वाला प्लेटफॉर्म और उसके बारे में बताते हैं फिर थोड़ा सा। गाइस पब्लिक प्लेस एरिया तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी ओवर ब्रिज से हम नीचे उतर चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग ये जो आप लोग देख रहे हैं आगे वाला ये पहला वाला प्लेटफॉर्म है और वो जो आप लोग देख रहे हो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है। और स्टेशन तो आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। और आगे का भी साइड में ओवर ब्रिज है, तो चलते हैं वहाँ पे और आप लोग को उधर भी दिखाते फिर कैसा वहाँ का व्यू। बाकी आप लोग स्टेशन तो देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है और इसके आसपास में पेड़ पौधा भी लगाया गया है। तो अभी देख सकते हैं गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस मुझे अकेले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में कहीं पे भी। तो गाइस अगर आप लोग इसी तरह का अगर ब्लॉग चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए हर तरह का इंटरेस्टिंग ब्लॉग ले कर आ सके हम। तो आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अब ओवर ब्रिज पहुँचने वाले हैं बस।
ये जो आप लोग ओवरब्रिज देख रही है काफ़ी दूर के डिस्टेंस में दिया हुआ है, स्टेशन वहाँ पे है और एक यहाँ पे भी ओवरब्रिज बना दिया गया है। तो अब चलिए चलते हैं ऊपर और ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं पूरा स्टेशन का। तो गाइस सीढ़ी की वजह से गाइस चढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी इसमें दिया हुआ रहता है। तो फाइनली अभी इस पर भी आ चुके हैं और इधर जो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है गाइस और चारों बगल आप लोग हरियाली हरियाली नज़र आ रहा होगा। ये जो आप लोग पेड़ पौधा देख रहे हैं ये पेड़ पौधा से काफ़ी ज़्यादा स्टेशन को खूबसूरत बनाता है और इसके आसपास में आप लोग देख ही सकते हैं गांव बसा हुआ है और उधर भी आप लोग देख सकते हैं स्टेशन के नीचे आप लोगों को गांव नज़र आ रहा होगा। स्टेशन देख सकते हैं गाइस वहाँ पे काफ़ी दूर में है और यहाँ पे जो ओवरब्रिज बना हुआ है सब दोनों जोड़ के बनाया गया दोनों को और यहाँ का आप लोग नीचे का व्यू देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से स्टेशन का व्यू देख सकते हैं आप लोग। तो गैस अभी नेट में देखे गैस ट्रेन गैस अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है तो गैस सोचे क्यों ना गैस घूमते रहे और आप लोगों को दिखाते रहे कि क्या है स्टेशन में क्या नहीं है। तो चलते हैं अभी आगे थोड़ा सा और देखते हैं उधर आगे की ओर में क्या है फिर आप लोगों को दिखाते हैं फिर क्योंकि ट्रेन तो अभी लेट है तो तब तक तो घूमा जाए। स्टेशन को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर छोड़ा है हम और इधर आगे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पे बड़ा सा एल्वेस्टर का देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया गया है पब्लिक के लिए बैठने के लिए जो कि इससे जुड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है पब्लिक लोग को। तो गैस अभी स्टेशन से गैस काफ़ी दूर आ चुके हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में तो चलिए गैस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अगर आप लोग को यह स्टेशन का ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अगर आप लोग चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे रख लीजिएगा हमारे इस तरीके का इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।